Back to my channel. आज एक मैं एक समर जैसे समर आ रहा है ना, सो उसके रिगार्डिंग आज एक मैं पोस्टर छोटा सा बनाऊंगा स्क्रीन के लिए. लाइक जैसे गर्मी हो जाती है, स्लोगन आता है बीट द हीट, तो आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और गर्मी को दूर भगाओ. तो आजकल मोस्टली कंपनियां जूस का और आइसक्रीम का, जो ठंडी चीज है ना, उसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे. तो आज एक वेक्टर बेस में पोस्टर बनाऊंगा, उसके अंदर एक दो कोन रखेंगे हम बनाएंगे, फिर बैकग्राउंड, देन अगेन टेक्स्ट, एवरी डिटेल्स. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं. ये कुछ कलर्स हैं यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, इसमें बाद में फिर कलर चूज करने में प्रॉब्लम आती है, सो इसलिए पहले मैंने ये रख लिया यहाँ पे, फिर वो वाला मैच वाला कलर नहीं बैठ पाता. तो फर्स्टली एक पेन टूल से हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. शिफ्ट की आपको प्रेस करनी है ये, देन अगेन ये अपना आप इसका हाफ साइज ले लेगा यहाँ से, आई थिंक दिस वन. ओके, नाउ क्लोज इट. ये कोन का जो बेस है जिससे हम पकड़ते हैं वो एरिया है, आई थिंक ये वाला कलर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला. ओके, ये वाला कलर चूज करना था हमको, वो डिफॉल्ट आ गया वो वही सा. देन अब आपको ए प्रेस करना है, आपको ये थोड़े से राउंड करने हैं ताकि ये कॉन थोड़ी सी फील आए, इट्स मोर रियल. देन अगेन एक हम राउंड रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे इसका टॉप एरिया बनाने के लिए, आई थिंक दिस इज इनफ. देन अगेन वी हैव टू प्रेस ए, यहाँ से एंकल पॉइंट आ जाएगा आपका, ही आपको पूरा का पूरा राउंड करना है. देन सेंटर, और ये आपको इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करना है ऐसे. अगर आपको ना पता लगे हिट कमांड कंट्रोल वाई, ये आपको वाई फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे. जैसे आपको ये हिला हुआ है, आपको इसको पकड़ो सेंटर, देन ये सेंटर पॉइंट पकड़ के दस इंटरसेक्ट लाइक दिस. नाउ अब इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क लूंगा, दिस वन, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे. अब इसके अंदर टेक्सचर आता है एक ट्रायंगल कलर का, तो वो हम लेंगे. सबसे पहले उसके लिए ब्रश लेंगे. ब्रश के लिए आप हम सिंपल सिंपल लाइन खींचेंगे ऐसे, थोड़ी सी अनइवन टाइप लगे कि कुछ अलग है. मैं ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं खींच सकता, थोड़ा सा हमको अनइवन जाना पड़ेगा, इतना भी नहीं. This one. इसको पकड़ के हमें थोड़ा सा और इसको लंबा करना है, इंक्रीज. अब इसी की हम दो कॉपी ले लेता हूं यहाँ पे, इतना. ठीक है गाइस, अब इसको मैं अलाइन कर देता हूँ इससे. हम इसको भी अलाइन कर सकते हैं इसकी नॉट पकड़ के, इसको ये प्रॉपर अलाइन है. थोड़ा सा यहाँ से हिला, ये जान पूछ के मैंने किया है, इट्स ओके. अब इसको कमांड जी या कंट्रोल जी करके ग्रुप, देन इसी की हम कॉपी लेंगे. आप ऑप्शन की होल्ड करके आप ड्रैग ड्रैग कर सकते हो, और कमांड सी या कंट्रोल सी करके देन कमांड एफ, यहीं पर आपकी कॉपी हो जाएगी लाइक दिस, ये हो गया. बट फर्स्टली इसको मुझे थोड़ा सा टेंट करना है, आर प्रेस करके ये राउंड करेंगे इसको. बस आपका जो पॉइंट है ये आपका सेंटर में होना चाहिए, दिस वन, दिस पॉइंट आर, देन वी हैव टू रोटेट लाइक दिस. अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक, रिफ्लेक्ट, कॉपी, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अब जो इसके अंदर का जो टेक्सचर है कौन का, वो यहाँ पे आ गया हमारे पास. सबको सिलेक्ट करके मैं ये वाला इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे हम, और इसको यहाँ लेके आएंगे इस तरीके से. ग्रुप पे अब इसकी हमें
कॉपी लेंगे यहाँ से। कॉपी लेने के बाद इसको हम पकड़ के इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क, ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। अब ऐसे टेक्सचर आपके कोन पे होता है राइट, तो इसको हम ले जाएंगे अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये हमारा ये बेस तैयार हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब हम ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर है, दिस वन चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वन वनीला। अब उसके लिए सबसे पहले मैं एक राउंड लूंगा यहाँ पे रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे इतना, आई थिंक इट्स गुड एनफ। अब इसको भी हम राउंड कर लेंगे यहाँ से लाइक दिस। देन एक हमें इसकी फिर कॉपी लेनी, कमांड सी कमांड एफ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फॉर विंडो। मुझे इसका फ्लेवर चेंज करना है, नाउ वी आर डूइंग स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के लिए मैं ये सेलेक्ट करूंगा एक, देन इसके शेडो के लिए थोड़ी सी डेप्थ आए दिस वन। सो अब इसको हमें पार क्लिप करना है, आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे जाएंगे, ये डिवाइड का ऑप्शन होता है यहाँ पे, सॉरी दिस वन, आप इसको डायरेक्ट जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। बट इसका ड्रॉबैक है इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर टू यूज यू नो पावर क्लिप। तो इसके लिए हम पावर क्लिप यूज करूंगा मैं, वही सेम चीज कमांड सी कमांड एफ, इसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे लाइक दिस वन। मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ कि ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसको और इसको सेलेक्ट करके मेकिंग क्लिपिंग मास्क, एक ही हमारे पास आ गया अलग से, एक इमेज अलग से। देन इसको हम ग्रुप कर लेंगे। अब ग्रुप के बाद यू हैव टू प्रेस ए, अब इसके जो पाथ है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो यू हैव टू ड्रैग दिस ओनली दिस एरिया और मे बी दिस अंदर का सिलेक्ट होना चाहिए। अब शिफ्ट प्रेस करके हमको थोड़ा सा इसको टिंट करना पड़ेगा लाइक दिस। ग्रुप है ही, आप थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे हम, इसको हल्का सा बड़ा हल्का सा छोटा करके, ताकि इंटरसेक्ट अच्छे से हो इतना, क्योंकि हमें ऊपर एक दो कॉपी और ले जानी है। कॉपी करूंगा यहाँ पे, ड्रैग एंड रिलीज ऑप्शन की आपको होल्ड करके रखनी है कॉपी के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जैसे पिरामिड होता है ना, छोटा बड़ा फिर छोटा ऐसे एक लेयर बन जाएगी इस पे। अब पावर क्लिप का ये फायदा, इसके अंदर जाके आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड ये ऊपर से साइड आएगी उसकी, तो ये थोड़ी सी डेप्थ इसकी आनी है यहाँ पे। लाइक दिस। अब एक हमें ऊपर एक इसकी लेयर बनानी है जो टॉप एरिया होता है, उसके लिए मैं एक ट्राइंगल लूंगा यहाँ पे, ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको, आई थिंक मुझे ऑल ओवर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इतना, ठीक है। अब ये भी यही वाला कलर होगा, इसको मैं हल्का सा ऐसे टिंट करूंगा वही आर प्रेस करके, इस पे हम इसको इसको डालेंगे। देन आपको शिफ्ट सी प्रेस करना है, और आप यहां से भी डायरेक्ट ये एंकर पॉइंट टूल ले सकते हो लाइक शिफ्ट सी प्रेस करके। अब ये आएगा यहाँ पे आपका एक लाइन पे, अगर आप इसको लेके आओगे यहाँ पे इसका कर्सर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। आप इस पे सिलेक्ट करके इसको होल्ड करके खींचोगे ड्रैग करोगे, इसकी शेप थोड़ी राउंड हो जाएगी। मुझे इतना रखना है इसको, और यहां से मुझे नीचे से लेके आना है इसको इतना। अब इसके बाद एक मैं पेन टूल पी प्रेस करके एक यहाँ पे नोट क्रिएट करूंगा, वो मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके आऊंगा, इसको हमें थोड़ा सा राउंडिश बनाना है इस तरीके से। देन आपको एक ए प्रेस करके इसको राउंड ही करना है थोड़ा सा इस तरीके से। आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट हो गया, आप इसको भी कर सकते हो अलग अलग Like this one. Okay guys, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा यहां से, ये यहां पे आएगी
इज नॉट परफेक्ट बट थोड़ा सा हमें इसको ट्विक करना पड़ेगा। ओके इसी की डायरेक्ट कमांड सी कमांड एफ करके कॉपी, तो ये सेम चीज पावर क्लिप, इसको ये वाला कलर देंगे हम, इसको हम थोड़ा सा छोटू कर लेंगे इस तरीके से, इसका साइड में इसी कॉपी कर देंगे। ये हो गया हमारा पावर क्लिप। इसको हम ग्रुप कर लेंगे यहां से, हल्का सा नीचे लेके आएंगे इसको। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर हम इसको और ब्यूटीफाई करेंगे, राउंड टूल डाल के हल्का सा ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा और भी लाइट लूंगा इस तरीके से, मे बी हमारे पास इसका एक टेबल। अब इसी की हम कॉपी करेंगे राउंड करके, ये इजीली पार्ट होता है, आप किसी तरह भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, इज अप टू यू। अब इसी की हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास है ये, तो आप चेंज भी कर सकते हो पोजीशन इस तरीके से, सारे सेम ना हो, कुछ टेढ़े हो, कुछ सीधे हो, कुछ अपोजिट हो, सो थोड़ा सा लगेगा ऊपर से, कुछ वो जो ऊपर से अलग से डालते ना चेरी वगैरह, तो उसकी फील आएगी थोड़ी सी हल्के से। और एक यहाँ पे मैं एक राउंड लूंगा हल्का सा लाइक दिस, दिस वन अगेन कॉपी, ये यहाँ पे इतना आ जाएगा। ओके इसको हमने ग्रुप कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करके हम दो कॉपी लेंगे ऐसे ड्रैग करके, और इनको हम कलर चेंज करेंगे, हम इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे इसको, इसको और इसको, ये तीनों हमारे पास सेलेक्ट है, आप ए प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली लेयर। अब इसको हम डार्क चॉकलेट कर देते हैं हल्का सा, देन अगेन वी हैव टू प्रेस दिस दिस एंड दिस, इसको भी हम हल्का से सेलेक्ट करते हैं। अब जितने भी ये हैं इसको हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस वन 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। तो आई प्रेस करके, आई पिकट यहाँ पे होता है टूल, ये वाला आई ड्रॉपर, हम ये वाला प्रेस करेंगे, योर चॉकलेट इज डन आई थिंक चॉकलेट इज अमेजिंग ठीक है गाइज अब इसी को हम इसी तरीके से अब वनीला करेंगे 1 ए प्रेस करके इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे देन वी हैव टू प्रेस दिस देन अगेन दिस वन दिस वन दिस अब इसको हम 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 आप इसको कलर भी यहां से पिक कर सकते हो, बट ये भी यहाँ डायरेक्ट इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी एक हो रहा है, आपको मैं बताता हूँ, देन अगेन इस वाइट, तो हमारे पास तीन फ्लेवर हो गई। आप देखो अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ से कमांड टू करके, इसको भी मैं लॉक करता हूँ, एक काम कर सकते हैं बस, इसको अनग्रुप करके यहां से ये मैजिक वन टूल होता है, आप वाई से ही प्रेस कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ ये भी सिलेक्ट होगा, सो जितने लाइट वर्जन होते हैं वो हो जाएगा, तो ये इसलिए मैं यूज नहीं किया। ओके गाइज अब ये है अलग से, आप कुछ मिस है, यहाँ पे मिस है,
आप ये कंट्रोल कमांड वाई करके देख सकते हो कि आप प्रॉब्लम है यहाँ पे आई थिंक मिस है। आप इसको ऊपर लेके आ सकते हो, इसका कलर हमें चेंज करना है यहाँ से लाइक दिस। ओके हमारे पास तीन फ्लेवर है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी एंड वनीला, सबको ग्रुप कर लेंगे। ये मुझे कुछ ज्यादा ही लाइट लग रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको ना हमेशा ग्रुप करके रखें तो बार बार इसको सेलेक्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी लाइक दिस। अगर इसको मैं सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मेरे पास इसका ग्रुप हो जाएगा ऐसे। इसको मैं हल्का सा डार्क करता हूँ ताकि दिखे ना। थोड़ा सा डार्क, क्योंकि डार्क लाइट फ्लाइट दिखेगा नहीं। यस दिस वन इज फाइन। ओके अभी बहुत कुछ करना है गाइज, अभी ये मैंने साइड में रखने हैं। कमांड जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कमांड जी, ये सारे ग्रुप हो गए हैं। अब इसको हम इस तरह से हम प्रेस कर सकते हैं, आर दबा के वी कैन रोटेट। इतना रोटेट की पीछे वाला हाइड हो जाएगा, बीच वाला ऐसे रह जाएगा लाइक दिस। अब ये सारे के सारे मर्ज हो रहे हैं, इसके लिए एक ड्रॉप शैडो हम यूज करेंगे। सबसे इजी काम है, एक सर्कल लिया, इसमें हमने ग्रेडियंट फिल कर दिया है यहाँ से। अब इसको हम कर देंगे राउंड, राउंड के बाद इसका हम फ्लिप कर देंगे ऐसे। और जिसके साइड के एरिया हैं इसकी हम ओपेसिटी ऐसे कम कर देंगे ताकि इसके एजेस ना दिखें, और मे बी 10। अब इसको हम हल्का से ऐसे करेंगे, इसकी हम ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, इसकी शैडो आई, इसकी हम एक कॉपी लेंगे। अब हम इस तरीके से यहाँ पे डेप्थ आई है थोड़ी सी। अब इसकी हम कॉपी करेंगे यहाँ पे ले जाएंगे इसके पीछे। अब इन सबको हम कर लेंगे ग्रुप, ग्रुप के बाद हम छोटा करेंगे इसको हल्का सा। अब एक मैं पीछे बैकग्राउंड लूंगा, एक टेक्स्ट लिखेंगे बीट द हीट। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ही ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेट ये पीछे हम कलर लेंगे, मैं लूंगा एक येलो कलर, दिस वन, जो दूर से दिखे। ठीक है गाइज, अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा और लाइट लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके इसकी हम एक ना इसकी भी एक हम ड्रॉप शैडो बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, बट इसको हम हल्का सा ज्यादा ब्लर करेंगे यहाँ से। इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेंगे यहाँ से। अब एक हम पीछे एक अमेजिंग से डॉटेड वाला बैकग्राउंड लेंगे, थोड़ा सा इसको पॉलिश अप करेंगे, देन आई थिंक वी आर डन। तो अब हम ये लेंगे यहाँ से ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में अब हम जाएंगे इफेक्ट, इफेक्ट में हम जाएंगे पिक्सलेट में कलर हाफ टोन, इस पे जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी 300 300 350, तो कुछ आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। तो हम इसके पीछे लगाएंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एक्सपेंड अपीयरेंस, देन इसको हम
इमेज ट्रेस करेंगे मेक एंड एक्सपेंड, ये आपको एक्सपेंड करके दे देगा यहाँ पे। देन वी हैव टू अनग्रुप दिस, देन हमको पूरा को पूरा वाइट एरिया सेलेक्ट करके डिलीट। तो हमारे पास एक ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन यहाँ पे आ गया है। इसके बाद इसको हम अच्छे से पीछे ले जाएंगे। देन वी हैव टू मेक स्मॉल बिट स्मॉल। अब इसी का कलर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको डार्क करूंगा। मुझे लग रहा है ये ना ये कलर कुछ हमने जब छोटा किया था इसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए था। थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, आई थिंक 75, वो बाद में देखते हैं। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है। अब इसी की हम कॉपी लेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसको हल्का सा छोटा करके, और इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे इतनी। एक सेम चीज यहाँ पे इसको हल्का सा बड़ा करेंगे। अब इसको हम यहां से थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफुल करेंगे। यहां से ये एक पीछे लाइन टूल वाला, अब इसको ड्रैग करेंगे ऑप्शन की प्रेस करके दाउन कंट्रोल डी, तो ये डायरेक्ट आपको शेप वहां पे लेता रहेगा। ऐसे वी हैव टू प्रेस मल्टीपल ऑफ टाइम्स लाइक दिस। सो एक हमारे पास पीछे बैकग्राउंड रहेगा ऐसे। इसको हम अगेन कमांड जी, अब इसको सबसे पीछे ले जाएंगे, इसकी भी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। सो गाइज ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, ये कुछ ज्यादा लाउड हो गया है, इसलिए हम कोई भी लाइन टूल लेते हैं सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर लें तो बेटर है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, इतना 0.5, ठीक है। यस नॉट दिस, आप डायरेक्ट यहाँ लेयर में भी जाके कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी है, तो इस इट्जी यू नो इस पर डबल क्लिक करके इसको हम रिड्यूस कर देंगे 0.5 तक। एंड सेम फॉर दिस लास्ट वन, ये ज्यादा लाउड हो गया। So I think ये कंप्लीट। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला फ्रंट पे होना चाहिए, तब जाके मजे आएंगे लाइक दिस। तो ये जो शैडो है ये वाली और ये वाली, इसको हम और कहीं लेके जाएंगे यहाँ पे, इसको भी हम लॉक कर लेंगे। इस तरीके से ये इसके हल्का सा इसके पीछे शैडो आ जाएगी। अब इस पे भी हल्की से हमें शैडो डालनी है, ड्रॉप शैडो, वो शायद अनग्रुप करके गायब हो गई थी, ये भी ठीक है। नाउ लास्टली एक टेस्ट लिखेंगे, बीट द हीट।
यस इसको थोड़ा सा बीट, इसका हम कलर लेंगे पिंक, वो अच्छा लगेगा। द हीट, इसको इससे ओवर डेप ले लेंगे इस तरीके से, उसको कलर कर देंगे दिस वन, और एक बीच में हम लेंगे बीट द हीट, हीट नहीं हीट, दिस वन, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि जो द है इस पे प्लेस हो जाएगा इसलिए। इसको हम और भी पॉलिश अप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ट्राइंगल ड्रॉ करके लेते हैं इसकी, इस तरीके से जितना इसको पॉलिश अप कर सकते हैं आप कर सकते हो। बीट द हीट, अब इसी के मैं कॉपी लूंगा एक कमांड सी कमांड एफ करके, और इसको एक अलग ही कलर देते हैं आपके यहाँ डार्क कलर, इसको हम पीछे ले जाएंगे। इस तरीके का कोई कलर देंगे तो पीछे सही लगेगा, थोड़ी डेप्थ आएगी ऐसे। सो अपना वही ऊपर एक लोगो लगाएंगे ऐसे, आइसक्रीम कुछ भी कर सकते हैं ऊपर, ये हमारे यहाँ पे इंडिविजुअली एक लोगो आ जाएगा आइसक्रीम। इसको भी मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा लगे कि लोगो वाला है इसका, ये है इसको मैं हल्का सा बड़ा करता हूँ, इसकी इसको हम हल्का सा इसको छोटा कर लेंगे, ये एक हमारा लोगो बन गया यहाँ पे, टेम्पररी लोगो है, आप कैसे भी बना सकते हैं इसको, हम इस पे शेप डाल सकते हैं कोई सी, मैं बताता हूँ कैसे। एक ब्रश लेंगे, ब्रश में टेम्पररी लोगो बनाऊंगा यहाँ पे, बी प्रेस करेंगे ब्रश के लिए, तो मैं ये वाला ब्रश लूंगा यहाँ पे, और कलर हमारा ये रहने वाला है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ऐसे, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये जस्ट रफली आइडिया है, हम ऐसे और कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब मैं इसको पूरे को एक्सपेंड कर दूंगा यहाँ से, इसको मैं कर दूंगा कंबाइन, ठीक है। एक ही हमारे पास इमेज आ गई, इसको मैं वाइट करता हूँ यहाँ से, देन इसको मैं इस पे प्लेस करके आइसक्रीम, ठीक है, प्यारा सा टेम्पररी लोगो बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, इवन यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं, इस अप टू यू। सबसे ऊपर हम लिखेंगे दिस समर, ये डिफॉल्ट सेटिंग आ रही है इसकी, इसका हल्का सा हम यहाँ से और 400 इसकी स्पेस बढ़ा लेंगे, देन सॉरी गाइस, अब एक यहाँ पे आ गया, अब एक दिस समर आइसक्रीम ब्रिंग्स यू बीट द हीट, एक स्क्रिप्ट में नीचे लगाऊंगा पिंक कलर की, यहाँ पे हम अपनी कॉन्टेक्ट इन्फो जो भी होगी आपकी वो प्लेस कर सकते हैं, लाइक ये अब यही आएगा, इसको 0 को लिखते हैं, ईमेल
icecream@gmail.com. Then again, sorry, then phone number plus India है तो 91 में यूज करेंगे, कुछ भी रैंडम नंबर में यूज कर रहा हूँ इसमें, क्या पता किसी का नंबर ही निकल गया है, डोंट नो. इसको मैं लूंगा पिंक कलर, मे बी हम ब्राउन भी ले सकते हैं, पिंक ज्यादा हाईलाइट होगा. इसको मैं कर दूंगा, इसको हम कर देंगे वाइट कलर. तो वाइट में ऐसा है, इसको मैं पिंक Thank you guys for watching this video.